ये बात कहाँ लिखी है कि आई लव यू बोलकर ही आप अपने प्यार का प्रपोजल किसी के सामने रख सकते हैं। पिछले कई दशकों से आई लव यू को ही प्रपोजल रखने का एकमात्र जरिया माना जाता है, लेकिन सलमान के जीजा आयुष शर्मा ने इस थ्योरी की गलत साबित कर दिया। आयुष ने अर्पिता को बिना आई लव यू बोले प्रपोज किया था। जी हाँ, आपको ना नहीं घुटनों के बल बैठने की जरूरत है और ना ही गुलाब पर पैसे खर्च करने की। बिना किसी तामझाम के बीच आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है आयुष शर्मा। आयुष शर्मा की पहली फिल्म लव यात्री प्रेम से भरी फिल्म है। फिल्म के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आयुष शर्मा से इंटरव्यू में लव से रिलेटेड सवाल ही पूछे। दरअसल आयुष से कहा गया कि आपको कैमरे में देखक बिना आई लव यू कहे अपनी अर्पिता को प्रपोज करना है। इस बात का जवाब देते हुए आयुष सीधे कैमरे के सामने खड़े हो गए। आयुष ने कहा कि आपके पास सुंदर आंखें हैं, आपके पास एक ब्यूटीफुल चेहरा है और सबसे अच्छी चीज आपके पास एक प्यारा सा दिल है। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो आपके प्यार से दिल की देखभाल कर सके। प्लीज अपने दिल की रखवाली के लिए मुझे सारे अधिकारी दे दीजिए। अब कोई ऐसे प्रपोज करेगा तो धरती पर कौन ऐसा इंसान होगा जो मना कर पाएगा। खैर, हम तो आयुष के इस प्रपोजल पर फिदा हो गए और हमें उम्मीद है कि अर्पिता भी आयुष के इस अंदाज पर अपना दिल दे बैठी होंगी। आयुष और अर्पिता ने 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने से बाद 18 नवंबर 2014 को शादी कर ली थी।